पंजाब 2020 रेफरेंडम कराने दी गल्लां करन वाले गुरपतवंत पन्नू नूं भारत सरकार दे वल्लों अतवादी ऐलान दिता गया है। 4 जुलाई तो उसकी मुहिम शुरू होने वाली सी, जिस विच खालिस्तान लई रजिस्ट्रेशन करवानी सी। उस तो पहला ही गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया। उस तो बाद पंजाब दे विच शिवसेना ने 4 जुलाई नूं हुई गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ रोस मुजहरे करने शुरू कर दिते ने। उन्हां दा कहना है कि भारत सरकार नूं देश विरोधी बंदे नूं भारत लिया के सज़ा देनी चाहिए है। उन्होंने ये भी आख्या है कि गुरपतवंत पन्नू देश नूं एक बार फिर तो अग की भट्ठी विच झोंकना चाहुंदा है। उसदियां ये कोशिशां असीं कदे कामयाब नहीं होण देंगे। इस तों इलावा कांग्रेस पार्टी ने भी गुरपतवंत पन्नू के पुतले फूके ने। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुरपतवंत पन्नू ने भारत का संविधान साड़ के देश के संविधान का अपमान किया है, उसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। किस तरह कांग्रेस के शिवसेना ने गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ मोर्चा खोलिया, तुसीं खुद ही देख लो। हिंदुस्तान वालों अज जिहड़ा गुरपंत सिंह पन्नू का पुतला फूकिया वा, ये इसलिए फूकिया कि यह पंजाब के माहौल में आए दिन खराब कर रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ताही राही जिहड़ा रेफरेंडम 2020 का जिहड़ा पंजाब दे विच दोबारा काले दौर में जिंदा करना चाहुंदा। असी गुरपंत सिंह पन्नू नूं चेतावनी दिंदे हां कि तू पंजाब दे विच ओह लांबू ना लै जिहड़ा पंजाब दे अज दे 30 साल लोगों ने पहला जिहड़ा संताप झेलिया। शिवसेना हिंदुस्तान इहदा कड़ा विरोध करती है, तो मैं पंजाब सरकार को केंद्र सरकार को मंग करदा जल्द तो जल्द पन्नू नूं पंजाब दे इत्थे पंजाब दीआं जेलां विच लिया बाहरों लिया के USA तो पंजाब दी जेलां ही सुट्टिया जाए ताकि इहो जे लोकां पिछे लग के पंजाब दी जवानी जिहड़ी बर्बाद ना हो सके। दूसरी गल कि यह सिख रेजीमेंट जिहड़ी फौज है देश दी उहनूं उकसा रिहा कि मैं उहनां नूं वध तनखाह देवांगा, पर मैं इहनूं दस देना चाहुंदा ये उह गुरु गोबिंद सिंह दे सिख ने जिहड़े तेरे पिछे नहीं लगणगे। तू तो आप ही केसधारी नहीं हैगा तो तू किसी नूं की शिक्षा देगा। मैं गुरपंत सिंह पन्नू नूं चेतावनी देना कि तू पंजाब दे माहौल नूं खराब ना कर, वह नौजवान तेरे पिछे अज कोई लगन नूं तैयार नहीं है। असीं कहना चाहते हैं कि जिहड़ा गुरपंत सिंह पन्नू है जिहड़ा विदेश की धरती ते बह के सिर्फ पैसे कमाण दी होड़ दे विच पंजाब दी नौजवानी नूं अपने पिछे ला के एक नवी फेर प्रथा जिहड़ी खालिस्तान की जिहड़ी अज तो 30 साल पहला चली सी उहनूं चला रिहा, जिहदे मनसूबे कदी कामयाब नहीं होणगे। केंद्र सरकार का भी असीं बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्होंने गुरपंत सिंह पन्नू के जिहड़े 20 साथी नाल उन्हां नूं आतंकवादी घोषित किया, तो पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता जी वो भी वधाई के पात्र ने जिन्होंने वो उपर FIR दर्ज करके ये संदेश दिता है कि पंजाब पुलिस जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने लिए पूरी तैयार है। इस करके असी अज गुरपंत सिंह पन्नू का पुतला फूकिया कि ता जो पंजाब दोबारा जिहड़े काले दौर ने ना आ सकन, सरकार दीआं अखां खुल्लन। सिंह पन्नू जो कि हिंदुस्तान का एक घोड़ा है, उन्हें हिंदुस्तान दे उस से उस संविधान नूं आ चलाया है जिहड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों उत्ते संविधान लिखा सी। इहो जिहा भगोड़ा जिहड़ा कि खालिस्तान की मांग करता और अक्सर विदेशी ताकतों के हत्थां खेलता, जिहड़ा कि पंजाब दे विच खालिस्तान नूं दोबारा जीवित करने वास्ते साजिशां रच रहा है। सो पंजाब के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, उन्हां दा खालिस्तान नाल कोई संबंध नहीं है। अज इन्हें दलित समाज को वार्निंग दिती है, चेतावनी दिती है और संविधान सला के साडे जख्मां दे नमक छिड़किया। अज पूरा दलित समाज इहदा विरोध करता और इहदे हर जगह पर उतरे साड़े जाणगे और ये जो भी किसी हिंदुस्तान के दाखिल होया ये सामने ही इनू जिंदा जला के एक मिसाल दलता लोग कायम की जाएगी कि दलता नाल कभी भी धक्का नहीं हो दिता जाएगा। दलित समाज जागरूक हो चुके हैं, सो दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उन्होंने PR भीमराव अंबेडकर जी ने जिन्होंने गुरु साडे गुरु जिन्होंने संविधान लिखे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया, ऐसे जड़े खालिस्तानी ऐसे जो देश के भगोड़े आ इन्हां लोगों कोई अधिकार नहीं गा हिंदुस्तान के दखलदाजी कर और हिंदुस्तान के संविधान को सारी पूजते हैं और सारे जोड़ा नमस्कार करते हैं। सो ये बंदे का असी विरोध करते हैं, असी इलाके हर जगह पुरे सड़क है और असी इस बंदे हिंदुस्तान की शराब के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अज पूरा दलित समाज 85% लोगों का अपमान होया और
बाबा साहब का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के दलित भाईचारे का विरोध किया गया सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू वालों, जिन्होंने संविधान सारिया। ये संविधान खाली दलितों का संविधान नहीं है, ये पूरे भारत के वसनीकों का और भारत के जिन्हें भी जिन्हें जातियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जिन्हें भी भाईचारे रहते हैं वो सारे के हक की गल की है। बाबा साहब ने यह बाबा साहब का विरोध करके पूरे दलित समाज का विरोध किया गया। उस रोष में असी पन्नू का पुतला साड़ा है और पूरे दलित समाज वालों असं विरोध करते हैं कि यहोजी घिनौनिया हरकत विदेशों में बैठ के करनिया, ये साजिशा और खालिस्तान की मांग करनी, जबकि इन्होंने को अपनी नागरिकता नहीं हैगी, भारत की नागरिकता इन्होंने को नहीं है, तो इन्हों कोई हक नहीं है कि इसे बैठ के पंजाब के असी खालिस्तान की मांग करिए। बिल्कुल जायज मांग नजायज मांग है और पूरा दलित समाज इस गल का विरोध करता और इन्हों का पुतला फूक रहा पन्नू का।